कांगड़ा करणी सेना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। करणी सेना ने संजय राउत का पुतला जलाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांगड़ा करणी सेना के अध्यक्ष आशुतोष ने कहा कि कंगना हिमाचल प्रदेश की बेटी है और इस प्रकार की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में कंगना की खून पसीने की कमाई से बनाया गया ऑफिस चंद मिनटों में ही तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है। बहन कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को बोला था कि अगर मुझे सिक्योरिटी दी जाती है तो मैं वहां पे आती हूं और उनके नामों का खुलासा करती हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि कंगना की फिल्में नहीं चल रही हैं इसलिए ये पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा स्टंट है और हिमाचल में राजनीति में कदम रखने का पहलू है। पांडे जी, ऐसा है, राजनीति हो या फिल्में हो, फिल्में हिमाचल में ही बहुत बनती है। सलमान खान जी को ही बताएंगे, फिल्में हिमाचल में भी रिलीज होती है और आना संजय राउत ने दिल्ली भी है, वहाँ महाराष्ट्र में बैठ के नहीं होगा। और ये राजनीतिक स्टंट ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी महिला पे ये उनकी तरफ से कुछ भी हो सकता है, पर हमारे हिमाचल की वो बेटी है। अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा होता है तो करणी सेना हमेशा जो है उनके साथ खड़ी है। सर, बेटी ईशा भी है, उसके लिए क्या कहेंगे? हमारे जो करणी सैनिक है वो पालमपुर से वहाँ पे आलमपुर में गए थे, उनके घर में भी जाके आए हैं और वहाँ पे जो है आपको पता है स्थिति क्या थी। डीसी साहब खुद मौके पे पहुंचे थे, एसपी साहब भी वहाँ पे पहुंचे थे। वहाँ के वहाँ आपको पता है बेटा और जो माँ है वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारा जो पुलिस पे विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है, हम उनसे मांग करते हैं कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की बेटी को हरामखोर बोला गया और उसको चैलेंज किया गया, हम इसलिए सड़कों पे, चाहे वो बेटी कंगना रनौत हो चाहे वो आम बेटी हो। आगे के आपका जो भी विरोध होगा उसका थोड़ा विस्तार से बताइए। आगे हमारा विरोध जो है आज पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा क्षेत्र में और हर एक जिला में हम जो है रोष प्रदर्शन जो है कर रहे हैं इसी तरीके से। और हम जैसे ही हमें ऊपर से कोई भी आदेश आता है, अगर संजय राव जी माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना जो है वो और भी उग्र रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।